मॉर्निंग दगड़ियों का खूबसूरत से दिन की शुरुआत होती हुई और आज दिन की शुरुआत में ही जो है हमारी पैकिंग शुरू हो गई। वहीं धर्मपत्नी जी रेडियो के वाओ हाय गुड मॉर्निंग दगड़ियों तैयार होती हुई अभी फिलहाल। आज मेरा हम दोनों का मतलब आज तो दगड़ियों मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ तो बाकी पैकिंग वैकिंग सब शुरू, आधी पैकिंग तो कल हो गई थी आधी आज हो रही है। ये इतना सामान ले जा रही है दगड़ियों, कितने दिन में आने वाली है? इधर देख इधर कितने लगो ना महंगा कन पट्टी में फटाफट आ जाओ ना 5 दिन के अंदर। तुम भाई कल आ रहे हो तो मैं एक दिन के लिए टाइम नहीं है मेरे घर रुकने का, तो मैं क्यों आऊंगी? क्या आराम से बेटा 5 दिन में आ जाना, मैं कुछ नहीं जानता। दगड़े ये चीज आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये वही जा मेरी भयंकर क्यों यहाँ टटम बैंक है देख रहे हो ये। ओहो खैर मेरे उतने बड़े बाल नहीं है जो सेट होंगे, ले आ रहे तेरे ही लाएगा है किसके लिए फिर है? ओ थैंक अरे मुझे थोड़ा मेकअप तो करने दो, आज थोड़ा अच्छी लगेगी। जाओ ना बाबू ले जाना। राधे राधे दगड़ी मगड़ी सुई गंगोली आड़ तो रखनी चाहिए। फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में टीवी स्क्रीन में तैयार दगड़े के रे रोला रफा। फिलहाल सुबह के बजने वाले हैं 7:30 और मैं निकल चुका हूँ बैग वैग लेके। धर्मपत्नी जी पीछे आ रही है, ये तैयार उन्होंने था टाइम लगूँ दगड़ियों। मैं जाता हूँ दुकान में फटाफट काम करते हैं, वाह वाह वो मेरे काम करते हैं, फिर मिलते हैं ठीक है दगड़ियों। जादू ये है दगड़ियों नीला जादू और ये है काला जादू। काला जादू बहुत ही खतरनाक होता है दगड़ियों, बहुत ही खतरनाक। काला जादू के जो चंगुल में फंस जाता है ना भयंकर निकल नहीं सकता। फिर दगड़ियों फाइनली जो है काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। फिलहाल घर से निकल चुके थे हम, उस समय बारिश जो है नहीं लगी हुई थी। फिर रास्ते में बारिश लगी तो हम दोनों ने दुए बुढ़ बुढ़िया ले दगड़ियों रेनकोट गाड़ी अपन डिक्क्यून है और रेनकोट पहन हुए असल लग रहे हो हम दादू दा। तो दगड़ियों अब कांडा से थोड़ा सा आगे पहुँच चुके हैं, बागेश्वर पहुँचने वाले हैं कुछ देर के बाद। मुझे लग रहा है कि 12:30 बजे तक हम लोग बागेश्वर क्रॉस कर जाएंगे। जिस स्पीड से हम लोग चले हैं 3:30 बजे तक मैं अपने ससुराल में होऊंगा। आज वहीं जो है रौला रफ्फा होगा। और आप कुछ कहना चाहोगे हैं? वो दगड़ियों नस में से दुख उड़े ले मार रही ना तो तब बहंग तो जाड़ में बहंग ये सर कितना पिया देखने आता गड़ी। अब फिलहाल बारिश आरिश रुक चुकी है और एक बार फिर से रुक चुकी है। हम लोग सोच रहे हैं अब अपना जादू वाला कोट खोल दे, पर काला जादू का मैं कोट खुलवाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ये काला जादू बड़ा खतरनाक होता है गड़ी। अब चलते हैं आगे को। बारिश धीरे धीरे क्या मौसम हो रहा था यार रस्ते में ना बीच में भयंकर बारिश। मैं तो बिल्कुल रफाटा गाना वाना गाते हुए और लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल शानदार सी लोकेशन है यहाँ पे। वाओ कांडा से थोड़ा सा आगे पहुँचे हम। दगड़े बागनाथ नगरी बागेश्वर में आगमन होता हुआ 1 बजने वाले हैं और बागेश्वर पहुंच चुके हैं हम लोग। जो है बूढ़े बूढ़ी दगड़ियों गड्ढन में धक्का खाते पूछ चुके हैं बागेश्वर और हमले खा रहे हैं यार कभी डोब की बात हन। पर यार दगड़ियों यार तुम कोला तुम भयंकर छोड़ दे मेरे भयंकर बाइक है मैं चले यार सुबह और रहा हूँ ये उसको कारण में जो कार आ रहा ये उसको उल्टी है जमा और कार लेनी भे यार हमें जब गरीब आ जाए फिर ठीक है दगड़ियों। दहेज में मैं स्कूटी मिल गई नदी का नदी बस में जो हम भयंकर की गुनानू बस में जो नदी गड्ढ खाते शिव रम्या अगर मजा आयो अमन हो जाए स्कूटी नहीं होनी जब यहाँ फिर इसलिए ये मेहनत कमाया नहीं होनी दगड़ियों क्या हाल जनो नदी आज हम हैं क्या कैसे पूछना फिर हम सौरा गड्ढन में जो है धक्का मुक्का खाते स्कूटी में हो तो धक्का झटके लागन ना पहुँच ही चुके हैं दगड़ियों बागेश्वर। अब बागेश्वर से और कितना किलोमीटर बागेश्वर से आप 55-60 किलोमीटर का सफ़र और है, 2-3 घंटे का सफ़र और बचा है दगड़ियों। 2-3 4 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग बिंता सेरा की घाटी में। दगड़े 2 बजने वाले हैं और पहुंच चुके हैं हम लोग गरुड़ बजने वाले हैं और कसौनी पहुंच चुके हैं। अब हल्की फुल्की बारिश फिर से शुरू होती हुई। कसौनी सौलों की नगरी
सॉल बनते हैं यहाँ पे, पसोनी वूलन हाउस, पसोनी मेन चौरा। हमको जाना है सोमेश्वर वाली रोड पे। तो बोले 4 बजने वाले और पहुँच चुके हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर से यहाँ से मिठाई की दुकान से जो है धर्मपत्नी जी आज अपने कर कमलों से जो है पेमेंट कर रही है यहाँ पे। आज बहुत खुशी हुई मेरे को, तो बहुत खुशी हुई। फिलहाल सोमेश्वर से जो है ससुराल के लिए मिठाई विठाई और फल वल पैक कर दिए हैं, और सोमेश्वर पहुँचते ही ना दगड़ियो बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अगाड़े में बड़ी गाँव यहाँ रेनकोट फिर से जादू बनना पड़ेगा हमको। और भैया जी ने हमको जो है काफ़ी फ्रेश मिठाइयाँ मिलती हैं सोमेश्वर मेन चौराहे पे। यहाँ से हमने सब कुछ ले लिया है, अब चलते हैं ससुराल की तरफ। खुशी देख रहे हो दगड़ियो। तो बेटा सोमेश्वर मैन चौराहे पे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। शुभ नाम पंकज बोरा। पंकज बोरा जी की यहाँ पे कपड़ों की दुकान है। मल यार थी दगड़ियो कपड़े लेने पर म्यार लगा रही क्या न रखा है, अगली बार आऊँगा तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये भैया भी हैं, धन्यवाद आपका। चलते हैं चाय पानी के लिए, पूछ रहे थे पर एल ने पीना था। आज अब सासू माँ के ही हाथ का चाय पीऊँगा पहले, ठीक है। चलो बारिश भी दगड़ियो कम होती हुई है, धीरे धीरे कमी हो जाती तो ठीक ही था यार। खैर हम दोनों काला जादू चल चुका है यहाँ, और मेरा जो है नीला जादू तैयार हो चुका है। चलते हैं बिनता की तरफ। गुड मॉर्निंग दगड़ियो, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फाइनली मैं आज एक महीने से काउंट कर रही थी अपने दिनों को, और फाइनली आज पहुँच चुकी हूँ अपने सुंदर से बिनता गाँव में। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर और रह जाता है। सोमेश्वर से थोड़ा हमने मिठाई ली, इसके बाद हम निकल पड़े हैं बिनता की तरफ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मम्मी का फ़ोन आया था कि थोड़ा रुक जाना, अब थोड़ा सा बारिश कम हो रखी है इसलिए हम निकल पड़े हैं बिनता की तरफ। तो ये सोमेश्वर से आगे का गांव है, यहाँ का नाम लो आगे को थोड़ा सा आगे जाके लोध गाँव है। तो इतना सुंदर व्यू आता है यहाँ का, सबसे ज़्यादा सुंदर गाँव माना जाता है ये हमारे इलाके का। तो लोध भी क्रॉस हो चुका है और हम निकल पड़े हैं बिनता की तरफ। अब यहाँ से बिनता बस 3-4 किलोमीटर रह जाता है, और बीच में थोड़ा जंगल पड़ता है, फिर उसके बाद मेरा ही गांव आ जाता है। अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हमें घर नहीं जाने देते कंटिन्यू। मतलब जब से हम चल रहे हैं बंगोली हाट से हम भीगते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा अभी थोड़ा बारिश कम हुई है, अभी बिनता की साइड को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आ रही है। मम्मी कह रही थी कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रुक जाना थोड़ा, अब देखते हैं क्या होती कंडीशन। दोस्तों लंबी यात्रा के बाद और लंबी इंतज़ार के बाद पहुंच गई हूं मैं अपने बिनता घाटी में। ये है बिनता घाटी, वैसे पिछली बार में तो दिखा। तो दोस्तों इस बार गगास ओ उस साइड से आ रही है ना, इधर वाले पुल टूट रखी है, बल उधर से इधर को ही चलना नीचे की साइड को। तो दोस्तों इस बार गगास नदी पे हमारी आई रखी है, बारिश यहाँ कंटिन्यू है इसकी वजह से। तो ये पुल में पहुँचने के बाद दिखाती हूँ आपको नदी का व्यू। तो ये
शमशान घाट भी है, यहाँ पे मुर्दे भी जलाए जाते हैं यहीं पे मुर्दे जलाए जाते हैं, और वो सामने दिख रहा है मेरा घर। फाइनली दगड़ियों स्कूटी पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं। कितने बज रहे हैं? ओ 5 बज गए हैं दोस्तों। हम निकले थे 8:30 बजे वहां से, कंटिन्यू चल ही रहे, हम रुके भी नहीं रास्ते में, बस एक जगह रुके थे खाना खाने के लिए। उस टाइम मतलब 9 बजे से लगा लो 8:30 बजे से अब पहुंच रहे हैं हम अपने गांव। पूरा एक दिन लग जाता है वहां से यहाँ आने में। मम्मी तो आ ली, तो तू तो बहुत दूर छू, बहुत दूर। तो दोस्तों मम्मी भी आ गई थी हमें पिक करने के लिए, और मम्मी ने पकड़ लिया है हमारा सामान, मिठाई वाला झोला। और मेरे पति देव कैसा चिता रहे हो आज बिंता घाटी में पहुंच के? हाँ कल जाना है। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ अपनी मम्मी को, हाई कर दे एक बार अब हाई लगा सी करूँ तो। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ आपको घर पहुँचने के बाद। तो जब पहले आया था तो खेत सब खाली थे, सूखे। अब जो है वाव हरियाली लग चुकी है, धान जो है पूरे, अब पानी है पा मेरे। खैर कोई नहीं, जूते तो भीगे ही हैं बारिश में ऐसे भी। फाइनली फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर, और सबसे पहले मेरी नज़र गई मिर्च में, और सबसे ज़्यादा मिर्च इसी बार हुई है यहां, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरी मिर्च हो रखी है हमारे खेत में। तो सबसे पहले मिलाती हूं अपनी नानी से। नानी हाय कर दे। सब लोग कैसे हैं पूछ तो, सब लोग कैसे हो बोल। सब लोग कैसे हो? अच्छे हो, ठीक हो। थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली रात के बज गए हैं 9, और आज मम्मी ने हमारे लिए खाना बनाया है। क्या क्या? आलू के गुटके और शिमला मिर्च की सब्जी, दाल भात दही और घी वाली रोटी। और ये मेरी नानी है, नानी का रोटी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज हम बहुत थक गए हैं। खाना स्टार्ट करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तू भी आ, दौड़ लगाते हुए ये भी आ रहे। तो दोस्तों कल मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाय बाय, गुड नाइट।